क्षेत्र है, इस इलाके में आखिर हाल का है, चिरमिरी के लोगों को क्यों लगता है कि उनका अस्तित्व संकट में है, आज इस पर बातचीत करूंगा। मैं आ रहा हूं, अलग अलग लोग हैं। सबसे पहले मैं जो है यहां पे आ गया हूं। सर क्या करते हैं सर आप? मैं शिक्षक हूं शिशु मंदिर से। शिक्षक हैं सर जी। तब तो आप चिरमिरी को बेहतर समझते होंगे। जी कुछ तो देख रहा हूँ, बचपन से ही हूँ। सर चिरमिरी का हाल कैसा है? देखिए यहाँ पर तो कोल इंडिया के आधारित पर था। कोल इंडिया की अभी संख्या जो मतलब जो यहाँ के कर्मचारियों की संख्या एकदम ह्रास में है, और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति मतलब क्या होता है, कोल इंडिया के आधारित ही थे यहाँ पर, कोल इंडिया नगरी हैं तो वहाँ की आर्थिक स्थिति, तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति अगर वो है, संख्या कम है तो आर्थिक स्थिति कम हो गया, बाकी कोई प्रोजेक्ट तो यहाँ है ही नहीं किसी उस प्रोजेक्ट में काम करे। तो जो कोल इंडिया की जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में संख्या बहुत कम हो गया कर्मचारियों का, आप जो आर्थिक आपकी क्षेत्र होगा तो उन्हीं के आधार पर ये आर्थिक क्षेत्र बना होगा, किसी समय बहुत अच्छा था, अब उनकी जब मतलब उनकी संख्या है ही नहीं, दूसरा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, और दूसरा जो भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बैंक है, जो रेलवे है वो सामान्य है, उसकी जो मार्केट वैल्यू जो है मतलब आपका आर्थिक क्षेत्र जो है, जिस हिसाब से ये माइंस का इलाका था वैसा डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे? हाँ वहाँ पर डेवलपमेंट जो हुआ था तो जितना हुआ था उतना हो गया था, अब उनकी धीरे धीरे तो डेवलपमेंट कम हो रहा होने लगा है, भले ही रास्ता और ये सब विकास हुआ है, रेलवे लाइन आई तो सिर्फ कोयले के लिए। हाँ कोयले के लिए आई और क्या है, यहाँ का जितने भी है तब यहाँ के जितने भी मतलब आपका आर्थिक क्षेत्र बढ़ा है वो तो कोल इंडिया का आधारित पर था, दूसरा कोई प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, रोजगार तो उतना है नहीं, जो भी रोजगार है किसी तरह पेट पाल रहे हैं। ये हाल दिखा रहे हैं, क्या करते हैं भाई साहब? हाँ हम एक रोल की दुकान करते हैं। कैसी है दुकानदारी आपकी? अभी मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा है। मार्केट ठंडा है? चिरमिरी के लोगों को क्यों लगता है कि उनका अस्तित्व संकट में है? ये तो जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है क्या कि चिरमिरी खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं है, वो अभी आएगा, डेवलप होगा, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। डेवलप होगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र से दिखा रहा हूँ हाल का है, और मेरे साथ वो युवा हैं जिनके सामने लगता है कि उनका भविष्य जो है वो संकटमय है, खासतौर पे चिरमिरी इलाके के, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि रोज़गार का बड़ा संकट है। तो बातचीत करते हैं इन युवाओं से और जानते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। आप इसी चिरमिरी में रहते हैं जी? कैसा है चिरमिरी में शिक्षा और जो है रोज़गार का क्या हाल है? रोज़गार यहाँ है नहीं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, कॉलेज वगैरह के लिए सब बाहर जाते हैं, चिरमिरी से बाहर। रोजगार किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है जी? नहीं। शिक्षा? शिक्षा तो फिलहाल ठीक ही है। अच्छी शिक्षा है यहाँ जी? है। शिक्षा कैसी है यहाँ पे? शिक्षा तो ठीक ही है। क्या क्या सुविधाएं हैं शिक्षा के लिहाज से? लाइब्रेरी भी अभी पहले से बहुत बेटर हो गई है, टीचर जो टीचिंग है वो भी बहुत बेटर है अभी पहले से, और ऑल बुक्स और का भी प्रोवाइड बहुत अच्छा होता है अभी कॉलेज में, पहले से तो काफ़ी बेटर हो गई हैं की शिक्षाएँ। और रोज़गार का क्यों संकट है? रोज़गार का संकट ये है कि यहाँ पे जो रोज़गार के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे आपने अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो आपके सामने क्या संकट है? यहाँ उच्च शिक्षा का कोई उस बेस पे कोई जॉब नहीं है, उस बेस पे मैं कुछ करना चाहूँ यहाँ तो उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है अच्छी। अगर मुझे जॉब या कुछ करना है तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा, रायपुर बिलासपुर, इधर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है जॉब रिलेटेड, यहाँ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जिला बनने का क्या फ़ायदा देख रही हैं? मैं कौन नहीं, क्या पढ़ती हैं? अच्छा ये बता दीजिए। मैं डीसीए। डीसीए क्या करना चाहती हैं? मैं इंजीनियरिंग की हूँ, अभी डीसीए करने के बाद इंटरव्यू दूंगी किसी चीज़ का। किस चीज़ का भाई? तो जैसे कहाँ जाना चाहती हैं आप, कैरियर किस में बनाना चाहती हैं? इंजीनियरिंग लाइन में। है यहाँ पे वो माहौल? नहीं यहाँ तो नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर मतलब बोले तो? हाँ रायपुर बिलासपुर मुंबई पुणे इस साइड। यहाँ पे क्यों नहीं है वो वैसा माहौल, कारण क्या है? अब कार हाँ टीचर नहीं है, मेन की कॉलेज भी नहीं है यहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक ही है। हाँ एक ही है बैकुंठपुर में बस। क्या करते हैं भाई साहब? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, बीएससी एमएससी कर रहा हूँ फिज मैथ से। अच्छा क्या करना चाहते हैं? मैं अभी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी जी। क्या आप देख रहे हैं ये, चूँकि अब तो जिला भी बन गया है आपका चिरमिरी मनेंद्रगढ़? अभी बना है, अभी बना, उस टाइप से सुविधाएं उपलब्ध होगी, धीरे धीरे देखा जाएगा। तो चिरमिरी का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
अभी तक तो नहीं दिखा, 10 साल से ऐसे ही है। 10 साल में कुछ नहीं बदला चीज़? कुछ नहीं, अभी आप भी देख रहे हो। अगर यहाँ पे खदानें बंद हो गई तो क्या होगा? कुछ रहेगा ही नहीं। हाँ? कुछ रहेगा ही नहीं, फिर तो खत्म हो जाएगा। खदान की वजह से ही चल रहा है, खदान की वजह से ही तो पूरा बंद हो जाएगा। तो है पूरा कॉलोनी, माइंस पे ही है, नगर निगम क्या वन विभाग के क्षेत्र पे ही तो आता है, पूरा माइंस पे ही दिया गया है। खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से वैकेंसी कॉलेज जो आने वाले हैं, सुनने में आ रहा पॉली का कॉलेज आएगा, वो भी नहीं आएगा। फिर जिला तो बना है, अभी बना है, अभी तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो जो यहाँ पे सुविधाएं आनी चाहिए थी नगर निगम के हिसाब से, वो सुविधाएं आई कि नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई, इतना यानी धीरे धीरे, काफ़ी स्लो आती है, पता नहीं चलता। तो चिरमिरी के यात्री बस में जो है मैं सवार हूँ, और यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो है वो यात्री सुविधा को लेकर के भी है, क्योंकि यहाँ कुछ एक बसें हैं जो कि संचालित है, कुछ निजी जो है गाड़ियाँ है वो चलती है, सवारी गाड़ियाँ, लेकिन ये एक परेशानी है, ऐसा नहीं है चिरमिरी में, और भी बहुत सारी जो है परेशानियाँ। एक मैं जो है चिरमिरी आने के साथ ही मैंने एक बात बहुत जो है सुनी है कि चिरमिरी में खदान है तभी सब कुछ है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। हाँ। यहाँ नगर निगम भी है। हाँ। और यहाँ शासकीय जो है कार्यालय भी हैं। हाँ। उसके चलते यहाँ तो शासकीय नौकरी भी तो है ना, नौकरियाँ है सर यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि रोजगार का बड़ा संकट है। हाँ, अभी जो है भर्ती नहीं हो पाए हैं, और शासकीय यहाँ तो ACCL के कर्मचारी थे, बहुत छटनी हो चुके, रिटायर हो चुके हैं, इसके चलके यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है 20-22 सालों से कोई नई भर्तियाँ ही नहीं हुई। नहीं हुई है, ठीक बोल रहे हैं, 1990 के बाद से इधर भर्ती नहीं हुई है। आप तो 90 बता रहे हैं, मेरे पास 20-22 साल, मतलब 30 साल से भी अधिक समय बाद नहीं हुआ, ACCL में भर्ती नहीं हुई है। इन प्लेस आप फादर जो डेथ कर जाते हैं उनके जगह में हुई है, लेकिन इस टाइप से जो कोल इंडिया का भर्ती नहीं हुई है। तो और शासकीयों में हुई है, गवर्नमेंट का उनका हुई है। क्या नाम है? शंभू। शंभू, हर हर शंभू। हर हर शंभू, हाँ। घर घर शंभू। घर घर शंभू। तो शंभू जी कितने साल से हैं आप यहाँ पे? 40 साल हो गया। 40 साल से? 40 साल में क्या बदला है चिरमिरी में? अरे पूरे ही बदल गया सब, संसार सागर रहा। आप तो पूरा फील्ड में घूम रहे, आपको भी तो समझ में आना चाहिए कहाँ कहाँ था और आज कहाँ हो गया। आप भी जब मीडिया में काम कर रहे हैं, आप भी सब जगह देख रहे हैं कि पहले का माहौल कहाँ था और अब क्या है, आपको भी तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग तो समय पूरा गुजार ही दिए सब। तो चिरमिरी का विकास अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ? अरे हुआ क्या, यहाँ क्या होगा बताओ। अब यहाँ के नेता लोग जो है वही जानकारी करें, हम लोग तो छोटा मोटा काम कर रहे हैं। हाँ। अपना गुजर बसर जैसा मालिक चला रहा कर रहे हैं। चिरमिरी का विकास हुआ है यार? यहाँ चिरमिरी का विकास हुआ है, रोड बनी है, नालियाँ बनी है, हॉस्पिटल बने हैं और तहसील ऑफिस बना है। हमारे जो विधायक जी है ना, वो एक नंबर काम किए हैं। इसके पहले जितने विधायक थे ना, एक भी नहीं कोई काम किया। अच्छा। भाजपा वाले कोई भी काम नहीं किए। और क्यों ऐसा लगता है कि चिरमिरी ख़त्म हो जाएगा, चिरमिरी के अस्तित्व पे संकट है? क्या है ना बॉस, यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉलरियाँ हैं वो बंद हो गई हैं, इस वजह से थोड़ा क्या है, लोग यहाँ से जो रिटायर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। आबादी घट रही है? हाँ, आबादी घट, क्या है, लोग बाहर निकल जाते हैं, पैसा पाए और निकल गए। आइए तो क्या है ना, ये भी अच्छा बताएंगे आपको। नेता जी से पूछें? अरे नेता जी ये इनसे पूछो, ये आके भाई ऐसा है, जो जानकारी जिसको ज्यादा वो बता पाएगा। वो तो है मैं, लेकिन आम आदमी का भी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नेताओं का तो खूब हो जाता है। अब यही लोग जानेंगे भाई विकास क्या हुआ नहीं। हम अपना तो परिश्रम कर रहे हैं, जो भगवान दे रहा है उसमें गुजर बसर कर रहे हैं, जो हम लोगों का भाई छोटा मोटा। आपके व्यवसाय में कोई तरक्की आई क्या? कुछ तरक्की नहीं है, खाना खर्चा चल रहा है बस। हाँ। और परेशानी बढ़ रही। अच्छा। अब वही नेता लोगों का काम है। ये नेता जी हैं? अरे तुम भाई नेता ही हैं बड़ी बाजार के। मैंने तुम आप समझ लिए भाई नेता ही की। एल्डरमैन बड़े पावरफुल होते हैं। बोला तो भाई अब हम ये लोग पावरफुल आदमी हैं, अब अपन लोग तो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, पेट चल जाए बहुत है।
आगे हम लोगों का भविष्य में कोई बढ़ने का चांस ही नहीं है, कोई काम हो तब हो। अब यही लोग कर रहे हैं भाई, देखिए भाई काम हम नहीं करवा रहे हैं। कहे का काम, क्या काम भाई, फील्ड में काम कर रहे हैं वो जानेंगे, हम अपन लोग कहाँ जाने भाई। अरे क्या है, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हैं, वो ये चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपने विकास की बात कर रहे हैं कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। नहीं तो सवाल ही बता दे, अगर किसी का धंधा नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, मतलब धंधा मंदा है क्या चिरमिरी में? चिरमिरी में धंधा चिरमिरी जैसा धंधा आज से पहले बड़े बड़े शहरों में भी नहीं रहा, लेकिन चूंकि उस समय 40,000 मेन पावर था, आज वो घट के 2,500 रह गया है, तो फर्क तो पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? रिटायर होते जा रहे हैं, भर्ती हो नहीं रही है, कालरी खुल नहीं रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरा, और पहले 400 फल की दुकान थी, आज 400 हैं, तो और 2,500 मतलब मेन पावर है, तो वो बिक्री डिवाइड हुई। अच्छा ऐसा है क्या कि खदानें नहीं हैं तो फिर चिरमिरी नहीं है, ऐसा है? हाँ ऐसा तो है भाई। कैसे बचाया जाए ऐसे, क्योंकि इसको चिरमिरी को कैसे बचेगा फिर? चिरमिरी को बचाने के लिए यहाँ पर कुटीर उद्योग और जिले के जैसे अभी के हमारे वर्तमान के विधायक जी हैं, उन्होंने अपने प्रयास से चिरमिरी को संजोने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नींव का पहला पत्थर रख दिया है, जैसे तहसील का दर्जा दिला के और हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल दिलवा के, और भी 7-8 कार्यालय ला चुके हैं और 7-8 आने के हैं। अगर ये आ जाते हैं तो कुछ चिरमिरी का स्थायित्व वापस आएगा। क्या नाम है सर आपका? याकूब खान। खान साहब सब बढ़िया है? बस चल रहा है। कब से हैं सर चिरमिरी में? मैं यहाँ पे 76 से हूँ, 75 से, बचपना यहीं, मतलब पैदाइशी भी यहीं की है। क्या हाल है सर चिरमिरी का? बस जो पहले था वो अब नहीं है। जैसे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, गाड़ियाँ सब ठीक ठाक चल रही थी, हाल रोजगार ठीक ठाक थे, तो आदमी के जीने खाने का एक स्रोत था। अब आज की तारीख में धीरे धीरे लोग रिटायर होते जा रहे हैं, चिरमिरी छोड़ के जाते जा रहे हैं। यहाँ कोई चीज़ तो ऐसा है नहीं जिससे कि हम आपके बाद हमारा परिवार जीने खाने कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे खुद कमाओ खुद खाओ, आज की स्थिति यह है कि अगर एक दिन कमाने नहीं निकलोगे तो कल शाम को खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। हम जैसे लोग की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि डेली कमाना है डेली खाना है, यही हमारी रोजी रोटी है बस। क्या कहें, चिरमिरी वीरान हो रहे हैं, लग तो ऐसी रहा धीरे धीरे देख करके, अब पब्लिक कोई दिख नहीं रही है। रौनक तो खुला किताब है, रौनक खुला किताब है, जो कल था वो आज बहुत कम हो गया है। कल जो चहल पहल थी, जो अभी भीड़ आपको यहाँ पे जो अभी इतनी दिख रही है, इससे कहीं देढ़ा था। अच्छा, तो चूंकि अब तो जिला भी बन गया है तो उससे कुछ फ़ायदा होगा? जिला बन गया है तो अब मैं उसके बारे में क्या करूँ, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं कि हमको कि अब नौकरी की, अब कोई उम्र रह नहीं गई कि कोई नौकरी का चांसेस है। मान लो जिला बन गया, ऑफिसें खुल रही, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हमको तो उससे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद सिर्फ अगर यहाँ भीड़ बढ़ी तो जो हमारा हाल रोजगार है भाई, भीड़ बढ़ेगी, लोगों का आवागमन रहेगा, आना जाना को, तो हमको 2 पैसे की आवक है हमारी, लेकिन जब यहाँ कोई अच्छा स्थिति नहीं रहेगा तो क्या हम कमाएंगे क्या खाएंगे? आज तो सोचना पड़ रहा है दिल्ली की क्या करें क्या ना करें। अभी वर्तमान में जो हालत है जो देखते हुए ये मैं कह रहा हूँ। और जनप्रतिनिधियों ने, जनप्रतिनिधि अपनी अपनी सोच, अभी उनके बारे में नहीं कह सकता मैं, जिसकी लोगों ने चिरमिरी को बचाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो अब आगे बढ़ाने कुछ में अब तो कुछ नहीं दिख रहा है आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जिला अस्पताल बन गया हमारे यहाँ, तहसील बन गया, अभी अभी खुला है, ओपनिंग भी कुछ दिन पहले हुआ, सब कुछ हुआ है, बाकी अब भीड़ भाड़ तो कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है। गाड़ियां हैं जो इतनी गाड़ी चल रही, गाड़ी तो बहुत शुरू हुई धीरे धीरे, अभी तक जो गाड़ियां बंद थी गाड़ी शुरू हुई, लेकिन ऐसा सिस्टम इस टाइप से इतना अच्छा है चलने का गाड़ी का कि कोई सवारी का, अब लोकल ट्रेनें चल रही यहाँ पे मिसाल के तौर पे, तो लोकल जगह पे जो रुकती थी गाड़ियां वो लोकल में रुकती, लोकल सवारियां जो आती, जिसका बेनिफिट गाड़ी वालों को था, यहाँ पे होटल वालों को था, ये सारा कुछ भैया इस समय बजट में पता है। यातायात सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ, उसका विकास नहीं हुआ, कब्रस्तानों का विकास, रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होता तब भी थोड़ा कुछ फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता, थोड़ा क्या बहुत फर्क पड़ता, वो भी नहीं हुआ, वो भी कहाँ है। ट्रेन आती है अपने समय पे, सिस्टम अभी टिकट के भी चेंज है, सवारियाँ कम आ रही, जिसमें 50 सवारी उतरती थी आज वहाँ पे 20-30 सवारी उतरती, पैसेंजर ट्रेन एक सुबह है बिलासपुर वाली जो सुबह 6 बजे पहुँची, अगर वहाँ भी कुछ दिन पहले चालू हुई है, और पहले तो कम से कम 2 टाइम आती थी ये ट्रेन आकर के रुक करके, यहाँ से चंदिया के लिए जाती थी, लोकल सवारी भी निकलते थे, हम लोग का भी हाल रोजगार चलता था भाई, सवारियाँ ले जाके वहाँ छोड़ना फिर वहाँ से लाना, 2 पैसा हम लोग आई भी आमदनी थी उसमें, पर इस समय वर्तमान में तो कुछ भी नहीं। तो आप देख रहे हैं चिरमिरी का हाल क्या है, और मेरे साथ कुछ जो है प्रबुद्ध जन हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई चिरमिरी कितना बदला है, हाल कैसा है सर?
कैसा हाल है सर? बस 9 दिन चले 2.5 कोस जैसे थे वैसे ही अब स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने, यहाँ चिरमिरी के लोगों ने, मतलब शहर का नौवां सबसे, प्रदेश का नौवां सबसे बड़ा शहर है, यहाँ के लोगों ने सोचा था कि यहाँ लोकल को जिताएंगे और लोकल घर से ही मेयर भी बनाएंगे, तो यहाँ के लोगों ने, जनता ने दरिया दिली दिखाते हुए एक ही घर से विधायक और महापौर भी बना दिया। लेकिन आज जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो कहीं नहीं है, जीरो है। महापौर भी और विधायक भी होने के बाद भी वो डेवलपमेंट नहीं है चिरमिरी में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं भर करते रहते हैं। यहाँ पे आप स्वामी आत्मानंद स्कूल के उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने सबके सामने घोषणा की थी कि अगला मेडिकल कॉलेज जो होगा, जो प्रस्ताव होगा, चिरमिरी के लिए होगा, चिरमिरी में बनेगा, विधायक जी ने मांग की है। और उस समय विधायक जी भी थे, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में बात आती है तो उन्होंने मनेंद्रगढ़ के लिए कर दिया। इस बात को जब पूछते हैं तो कोई भी जवाब देने से इनकार करता है, जबकि इसकी मेडिकल कॉलेज चिरमिरी में आता तो क्या होता? इससे रोजगार के अवसर बढ़ते कम से कम। मैं समझता हूँ कि अगर मरीज ज़्यादा आए, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि ज़्यादा मरीज आए, बीमार ना पड़े, लेकिन डॉक्टर्स आते, प्रशिक्षु आते, तो एक दुकान से कम 100 पैकेट की आबादी बढ़ती, शहरी आबादी भी बढ़ती, व्यापार भी बढ़ता जी। और इसको, और मैंने आप लोग संघर्ष करते हुए जो है रायपुर तक आप लोगों ने पदयात्रा भी की थी? जी बिल्कुल, वो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिले, मतलब ये जिले का सबसे बड़े आबादी वाला क्षेत्र था और नगर निगम चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनना ही चाहिए था और नहीं बना, इसके लिए हम लोग पदयात्रा करके गए। और माननीय मुख्यमंत्री जब MCB के उद्घाटन के लिए आए तो उन्होंने उपहास भी उड़ाया कि यहाँ कुछ भी दे तो यहाँ के लोग पैदल ही चल देते हैं। ये वही लोग हैं जो एक तरफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की तारीफ करते हैं, लेकिन जब चिरमिरी के अस्तित्व के लिए चिरमिरी के लोग यहाँ से पैदल रायपुर जाते हैं तो उसका उपहास भरे मन से उड़ाया जाता है। सर, बाकी में संकट है क्या अस्तित्व का? देखिए, निश्चित रूप से रोजगार की समस्या तो है और रोजगार की समस्या होने की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं बाहर जा करके, फिर जा करके बाहर ही रह रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक्चुअल में चिरमिरी पूरा आधारित है कोयले के ऊपर और जितनी भी सरकारें आईं किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया कि कोयले पर आधारित कोई उद्योग यहाँ पर खोला जा सके जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। यहाँ पर रोज़गार के नाम पर सट्टा, कबाड़, चोरी, यही इसी में बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगार लड़के नशे के, क्योंकि रोज़गार नहीं है इसलिए क्या करेंगे, नशे के उस चपेट में जा रहे हैं। नशा क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के चरस, गांजा, अफीम सारा यहाँ बिकता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चूँकि बेरोजगारी की समस्या है, लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए लोग अच्छे कामों के बजाय गलत कामों में जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है, चिरमिरी को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, चिरमिरी को बचाने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अगर काम करे, देखिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चिरमिरी में, और जब चिरमिरी के विकास की, रोजगार की बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ पे जमीन नहीं है। जब जमीन नहीं है तो करोड़ों रुपए कहाँ खर्चा करते हैं भाई, दूसरे की जमीन पे तो खर्चा नहीं कर सकते ना। जब राज्य सरकार बोलती है कि हमारी जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं तो व्यवस्था करे। आदमी जब मरता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर उसका इलाज करता है ना, तो जब चिरमिरी मरणासन पर है तो जो डॉक्टर रूपी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि चिरमिरी के में रोजगार स्थापित करे। और इच्छा शक्ति की कमी है सिर्फ, जिस दिन चाह लेंगे उस दिन बहुत सारी राहें निकल जाएंगी। क्या हाल है सर? ठीक है सर। ठीक है। और चिरमिरी का? चिरमिरी का तो भट्टा बैठ रहा है सर, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हुआ जैसे आपको लग रहा है पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ? यहाँ रोजगार का साधन बढ़ना चाहिए, वो भी नहीं बढ़ा है। वो तो वही चल रहा है जो चल रहा है, उससे क्या होगा चिरमिरी का विकास? जब तक विकास नहीं हुआ तब तक रोजगार के साधन कैसे मिलेंगे? कैसे आ सकता है रोजगार? कुछ कोयला आधारित उद्योग व्यवस्था बनाए जनप्रतिनिधि, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकते। जैसे आपका कोचिंग व्यवस्था यहाँ बनाया जाए, जो बाहर जाते हैं लड़के पढ़ने, यहीं पढ़ें, जिससे भी रोजगार बढ़ेगा, लड़का अच्छा कोचिंग बनेगा, सफाई के बने। यहाँ चूँकि इतना बड़ा नगर निगम क्षेत्र है तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से चिरमिरी कितना पनप पाया है, कितना विस्तारित कर पाया है? घट रहा है सर, बढ़ नहीं रहा है। घट रहा है जी। क्यों रहा है? आबादी जा रही है सर, रिटायर हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, व्यवसाय का साधन ही नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। कुछ जिनके गाँव घर वो निकल जा रहे हैं, और आपका प्रॉपर उड़ीसा के लोग तो यहाँ रहते हैं, रिटायर होने के बाद टोटल गांव चले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के लोग रिटायर होने के बाद अपने गांव चले जाते हैं, घर यहाँ कोई व्यवसाय का साधन नहीं तो बैठ के खाएंगे, इससे अच्छा अपने गांव घर चले जा रहे हैं, तो कहाँ से बढ़ेगा विकास होगा? खेती है नहीं, कोयला आधारित उद्योग जगह है,
उससे संबंधित कोई काम होता तो कुछ काम बढ़ता। तो स्थानीय पत्रकार हैं जो मुद्दों को बेहतर समझते होंगे, चिरमिरी के साथ क्या वाकई में कोई छल हुआ है, चिरमिरी का क्या वाकई में डेवलपमेंट रुक गया है, या चिरमिरी का वाकई में कोई अस्तित्व संकट में है क्या? आपको हम बता दें कि चिरमिरी लगातार, चिरमिरी के साथ जितने नेता हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, कुल मिलाकर शोषण ही किए। चिरमिरी का अस्थायित्व तो खतरे में है। चिरमिरी कोल माइंस क्षेत्र है जहां 8 खदानें चलती रहीं, उस समय चिरमिरी फलता फूलता रहा। चिरमिरी ही एक ऐसा स्थान है जहां सबसे ज़्यादा राजस्व देती है। राजस्व देने के पश्चात चिरमिरी के साथ जितने नेता हैं, चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस को, केवल शोषण किए। आज स्थिति यह है कि नगर निगम ये क्षेत्र कहलाता अब नगर पालिका होने के कागार में आ गया है। लोग रिटायर होते जा रहे हैं और इसके साथ यहाँ से पलायन होते जा रहे हैं। सभी नेता अपना रायपुर, बिलासपुर, कई ऐसे क्षेत्रों में घर बनाए और अस्थायित्व को लेकर पूरा चिरमिरी संकट में है, क्योंकि कोयला का जो खदान है बंद हो रहा है, बंद होने के पश्चात नया खदान खुल नहीं रहा है। इस ओर अभी कांग्रेस की सत्ता है, ना ये ध्यान दे पाती है, पूर्व में भाजपा की सत्ता थी ना वो ध्यान दे पाई, केवल अपनी झोलियों को भरे हैं। तो सर इसे मतलब रोकने में कुछ भी कदम नहीं उठाए गए? अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोग, कई लोग जो यहाँ मतलब हजारों की संख्या में जो कोयला का खदान में कर्मचारी थे, उनका रिटायर होने के बाद वो उड़ीसा, बिहार, अन्य क्षेत्र जहाँ जाके थे वहाँ चले गए। और यहाँ तो देखिए सरकार जिसकी है उसी के जो है नेता विधायक भी हैं और उन्हीं की पार्टी के जो है महापौर भी हैं, तो ये तमाम समीकरण होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है? सांसद भी उनके, विधायक भी उनके, महापौर भी उनके, कुछ हद तक पहले की अपेक्षा काम हुआ है, लेकिन जो मूल था कोयला खदान खुलना जिससे लोग को अस्थायित्व हो और लोग यहाँ से पलायन ना करें, उस पर पूर्ण काम नहीं हो पाया। तो क्या चिरमिरी खत्म हो जाएगी? अब कगार बताया मैंने आपको, नगर निगम क्षेत्र था, अब नगर पालिका के कगार पर पहुँचा है, समझ सकते हैं आप। और जिला बनने का? जिला तो बन गया, लेकिन जिला बनने के बाद जिला का जो एक रूपरेखा होता है, क्या चिरमिरी को मिल पाया? चिरमिरी के साथ हर नेता केवल छलावा ही किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो और चिरमिरी को लेकर के जो शंकाएँ हैं कि अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, चिरमिरी जो है मिट जाएगा, चिरमिरी खत्म हो जाएगा, वो चीज़ें ना हो। चिरमिरी का हाल जैसा यहाँ के लोगों ने बताया है वैसा ना रहे, चिरमिरी को फ़ायदा जिला बनने का भी हो और चिरमिरी का अस्तित्व सदा के लिए भी रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।